इसी वजह से ये रणनीति की अदला बदली जिसका जिक्र अभी जी मैं कर रही थी कि साहब एक तरफ आप देखिए तीनों ही राज्यों की बात कर लीजिए जिसका जिक्र कर रहे थे यहाँ पर प्रदीप जी भी कि साहब तीनों राज्यों में कांग्रेस की तरफ से चेहरे हैं और बीजेपी की तरफ से सामूहिक नेतृत्व जो कभी कांग्रेस किया करती थी अब वो बीजेपी कर रही है। देखिए कुछ थोड़ा सा आप कहेंगे मैं दूर की कौड़ी ला रहा हूं लेकिन प्रदीप जी खासतौर से मेरी बात की तस्दीक करेंगे वो कह भी चुके हैं वो ये मुझे लगता यह है कि 2018 से ही भारतीय जनता पार्टी कतई इस मूड में नहीं थी कि कहीं इन राज्यों के अंदर कोई नेतृत्व तो खड़ा किया जाए। अगर वो चाहती तो खड़ा कर सकती थी क्योंकि कार्यकर्ताओं की कमी थोड़ी ना है, ऐसे लोगों की कमी थोड़ी ना आला कमान उसकी पीठ पे हाथ रखता और वो नेता नहीं बनता। भाजपा का नेता तो वो बन ही जाता, प्रदेश का नेता बनने के लिए तो चुनाव जीतना जीत के दिखाना होता है, तो वो तभी हो सकता है। भाजपा ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की, कोई नेतृत्व तो खड़ा नहीं किया, वो शुरू से ही इस पर चल रहे थे कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, अगर जीत गए तो अपना आदमी बैठा देंगे और हार गए तो क्या हुआ, पिछली बार भी हार गए थे, क्या फर्क पड़ता है, लोकसभा का चुनाव तो हमें जीतना ही है। नहीं तो प्रदीप जी चेहरे के मामले में यहाँ पर बीजेपी कच्चा खाती हुई नजर आ रही है कांग्रेस के मुकाबले, क्योंकि तीनों राज्य और कांग्रेस की तरफ से तीनों में चेहरे और तीनों राज्य और बीजेपी की तरफ से बात सामूहिक नेतृत्व की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की, और मध्य प्रदेश के लिए तो यहां तक कह दिया गया कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। नहीं देखिए बात होती है विकल्प की, ठीक है, आपके पास अगर विकल्प है तो आप प्रोजेक्ट करेंगे, विकल्प नहीं है तो उसके विकल्प नहीं होने पर कोई ऐसा किसी ऐसे को प्रोजेक्ट करना जिससे नुकसान हो सकता है ये रणनीति खराब रणनीति होगी। जैसे राजस्थान में देखें वसुंधरा राजे सिंधिया को प्रोजेक्ट करते तो नुकसान होने की आशंका ज़्यादा थी फायदा होने की तुलना में, तो इस तरह से आकलन किया गया कि भाई किसी को जो अभय जी बात कह रहे थे कि 5 साल में किसी को प्रोजेक्ट आपने किया नहीं, नई लीडरशिप खड़ी नहीं की, पुरानी पर आपको भरोसा नहीं है, तो जिस पर भरोसा मैं आपके नहीं पास है सर, जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी मनु गहलोईवाल रायपुर में मौजूद है, खास बातचीत की है उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से, सुनते हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान और बहुत बड़ा दिन क्योंकि इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों की साख दांव पर लगी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के डॉक्टर रमन सिंह। कितना उत्साह और कितना भरोसा कि आज जनता आपके समर्थन में उतरेगी? छत्तीसगढ़ घूमने के बाद और प्रथम चरण के मतदान हो जाने के बाद आज एक बड़ा दिन है और मुझे लगता है कि 70 से ज़्यादा स्थानों पर मतदान जारी है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग मतदान की ओर आ रहे हैं और जो उम्मीद मुझे है पूरे छत्तीसगढ़ घूमने के बाद, आज ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पहले चरण में जब 20 विधानसभा जिसमें बस्तर और राजनांदगांव को लेकर हुआ उसमें 20 में कम से कम 14 सीट पे हम आगे हैं, द्वितीय चरण के मतदान में मुझे लगता है स्थिति में ज़बरदस्त परिवर्तन होगा और अंडर करेंट अब लोगों को महसूस भी हो रहा है, जनता के चेहरे में झलक भी रहा है। आप मतदाताओं से पूछेंगे, उनकी लाइन लंबी लाइन देखेंगे और वहाँ उनसे बात करते जाएंगे तो यह महसूस होगा कि परिवर्तन की ज़बरदस्त लहर छत्तीसगढ़ में है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है, 50 पार हम कर चुके हैं। यही भरोसा तो वर्तमान के मुख्यमंत्री को है, भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि हम जीत का परचम लहराएंगे और महादेव ऐप और इस तरह की बातों से हमारी छवि को डेंट करने का प्रयास किया गया है, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया। 5 साल छत्तीसगढ़ केवल महादेव ऐप या भ्रष्टाचार के मुद्दे के साथ साथ विकास शून्य है, जन घोषणा पत्र के वादे अधूरे हैं, जितने भी वादे किए वो सब झूठे वादे निकले और भ्रष्टाचार के मामले में 13,000 पेज के दस्तावेज ईडी ने यदि प्रस्तुत किया है, कोयले पे स्पष्ट रूप से 25 रुपया प्रति टन की दलाली ली जाती है, कोई 2,000 करोड़ की शराब का घोटाला होता है, चावल का घोटाला होता है, गौठान में घोटाला होता है, अब तो PSC के भर्ती में 50-50 लाख रुपया यदि लिया जा रहा है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। और महादेव ऐप तो बच्चा बच्चा जानने लगा है कि जुआ और सट्टा में भी मुख्यमंत्री सचिवालय के लोग इन्वॉल्व हैं, इनके 2 अधिकारी कोयले के घोटाले में, कोयले के भ्रष्टाचार में 8 महीने से जेल में हैं, न्यायालय इनको जमानत नहीं दे रहा है, ये सारे मामले न्यायालय में चले गए। अब भूपेश जी को ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि झूठे मामले लगाए गए, ये तो जनता के और न्यायालय के में प्रस्तुत किया जा चुका है और न्यायालय इसमें कार्रवाई करेगी। न्यायालय तो कार्रवाई करेगी लेकिन इसका राजनीतिक मुद्दा बनाना, इसका राजनीतिक इस्तेमाल करना, और दूसरी ओर कांग्रेस सीधा वार करती है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है,
पोस्टर्स में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिखता है, आप पर भी निजी वार किए गए हैं कि आपको साइडलाइन किया गया, इस तरह के सवाल उठाए गए हैं। मुझे देखिए, मैं 2003, 2008 और 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कोई डॉक्टर रमन को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ा था। तो अपने अपनी पार्टी के जीत के दावे नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं। और जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।